तुम्हारे नाम के कुर्बान मोहियुद्दीन जिलानी, करो मुश्किल मेरी आसा मोहियुद्दीन जिलानी। जो आए चोर चोरी से उन्हें अबदाल तुम कर दो, बड़ी है शान रहमानी मोहियुद्दीन जिलानी। कभी कभी इस तरह अबू साले की कटती थी जिंदगी, हर दम खुदा का जिक्र ही बस उनका काम था, बादे नमाज लब पे दरूद और सलाम था। कुदरत खुदा की देखिए बीमार पड़ गए, मजदूरी करने फिर वो दोबारा ना जा सके, जो खत्म हो गई तो रोजा रख लिया, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए। पानी से की अफतार तबीयत बहल गई, पानी से की अफतार तबीयत बहल गई, पानी से की अफतार तबीयत बहल गई। इस बात से अल्लाह की वास्ते पानी में बहता बस वहीं एक सेब आ गया, बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने फौरन ही खा लिया, पहुंची गिजा जो पेट में दिल को हुआ सुरूर, ताजा हुआ तमाम तो चेहरे पे आया नूर, रह रह के दिल दिमाग से कहता था ये सवाल है। वो सोचते थे ये गुना मुझसे हुआ अजीम, इतनी खता तो माफ मेरी कर दे ऐ करीम, क्योंकि तू बादशाहों का है बादशाह रही, क्योंकि तू बादशाह
चल दिए, हालत बिगड़ के रह गई मंजिल पे जो पहुंचे। देखा कि लबे दरिया है कुछ बाग सेब के, देखा कि एक बुजुर्ग जो आली मकाम है, जिनकी ज़बाँ पे मेरे मोहम्मद का नाम है। कहती थी आँख देखिए रोशन चराग है, मालूम तो कर इनसे कि ये किसका बाग है। जाकर मिलूं बुजुर्ग से मौका नियाब है, धुल जाएगा ज़मीर पे जो मेरे दाग है। वो बोले बाग किसके हैं ये किसके हैं समय, खता माफ कीजिए। दिल में कहा बुजुर्ग ने ये हीरा है हीरा, बोले बुजुर्ग एक शर्त है सुन गौर से जरा, है शर्त मेरी बेटी से भी अब्द तुम करो, फिर उसके बाद चाहे मदीने में जा रहो। इसलिए
के करम से ये मासूम कली है, बेटी मेरी कुरान के साए में पली है। यादे खुदा में कटने लगी उनकी जिंदगी, वलियों के ताजदार के आने की है घड़ी। एक दिन नमाज पढ़ने में बीवी ने की जल्दी, आहिस्ता पढ़िए अम्मी एक आवाज सी आई। बोली खुदाया कौन है आवाज किसने दी, फिर कुछ ख्याल आया तो शर्मा के रह गई। रहमत के हक नूरे सफीने में गौसु पाक, बच्चा भी है।